स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट कंटिन्यू चैप्टर नंबर 8 मोर ऑन टक्स पेंट। तो टक्स पेंट में हमें क्या किया था, हमें ड्राइंग करना है टक्स पेंट में। अब टॉपिक इज लाइंस। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, इट हेल्प यू टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। तो लाइन टूल की मदद से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। स्टेप टू ड्रॉ लाइंस, लाइंस कैसे ड्रॉ करना है उसके स्टेप दिए गए। स्टेप 1, क्लिक लाइंस टूल। स्टेप 2, सिलेक्ट द डिजायर्ड कलर फ्रॉम द कलर पैलेट। स्टेप 2 में क्या है कि आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो कौन से कलर की करनी है उसके लिए आपको कलर पैलेट में से कलर चूज करना है। स्टेप 3, क्लिक द साइज ऑफ द लाइन फ्रॉम द सिलेक्टर। लाइन की साइज आपको थिन रखनी है या थिक रखनी है तो आप ऐसे चूज कर सकते हो। स्टेप 4, होल्ड द लेफ्ट माउस बटन प्रेस एंड मूव ओवर द कैनवास टू ड्रॉ लाइंस। तो आपको माउस पॉइंटर से पहले माउस को आपको क्या करना है, होल्ड करना है और फिर ड्रैग करना है, तो ऐसे लाइन आपकी ड्रॉ हो सकती है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारी लाइन ड्रॉ करी हुई है, थिक भी है और थिन भी है, अकॉर्डिंग टू यू एकदम आपकी चॉइस कैसी है वो देखकर करना है। स्टेप 5, रिलीज द माउस बटन व्हेन फिनिश्ड। फिर लाइन ड्रॉ हो जाए तो माउस के बटन को रिलीज कर देना है और आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। टक्स पेंट ओपन करके यहाँ पर लाइन टूल्स दिखाई दे रहा है सबको, लाइन टूल्स पर क्लिक करेंगे हम और यहाँ से कलर चूज करेंगे। जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर यहाँ से आप ले सकते हैं। सपोज ये रेड कलर लिया और फिर लाइन कैसी रखनी है, यहाँ पर लाइन थिक रखनी है या थिन रखनी है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो सपोज मुझे ये लाइन चाहिए तो मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ। आप देख सकते हो अभी थोड़ी और ज़्यादा, फिर ये एकदम ब्रॉड लाइन। तो ये हुआ हमारा लाइन टूल। लाइन टूल से आप कुछ भी वर्क ऐसे, सपोज मुझे स्क्वायर ड्रॉ करना है तो मैं लाइन टूल की हेल्प से यहाँ से ऐसे स्क्वायर ड्रॉ कर सकती हूँ। ओके, ये देख सकते हो आप स्क्वायर ड्रॉ कर रहा है। तो लाइन टूल की हेल्प से आप स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हो, ट्रायंगल कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ लाइन टूल। लाइन टूल कहाँ से होता है, पेंट के नीचे से ही लाइन टूल दिखाई दे रहा है। ओके, टूल्स में जाकर ये लाइन टूल क्लिक करना है। यहाँ से आपको लाइन कैसी चाहिए वो आपको सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से कलर सिलेक्ट करना होगा। सपोज ये कलर सिलेक्ट किया और फिर लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। माउस को ऐसे प्रेस करके होल्ड करना होता है ऐसे और फिर रिलीज कर देना है तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ओके, यहाँ तक रखेंगे। थैंक यू।